पाकिस्तानी फैंस सचिन के डेब्यू मैच पर उनका स्वागत करते हुए उन्हें कुछ पोस्टर दिखाते हैं जिनमें लिखा होता है दूध पीता बच्चा, घर जाकर दूध पी, डायपर तो नहीं पहना है और ना जाने क्या क्या। 1989 भारत का पाकिस्तानी दौरा, गावस्कर, दिलीप और मोहिंद्र अमरनाथ जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में एक 16 साल की युवा लड़के को टीम में जगह मिली। भारतीय टीम में शामिल होने से पहले वो 16 साल का लड़का पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन चुका था। बड़े बड़े दिग्गज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। तारीफों का असर इतना था कि वसीम अकरम, अब्दुल कादिर जैसे बेहतरीन बॉलर भी उसकी बल्लेबाजी को परखने से वंचित न रह सके। 1989 भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से पहले या सचिन के अंतरराष्ट्रीय डेब्यू से पहले एक फ्रेंडली या अभ्यास मैच के दौरान सचिन ने मुश्ताक अहमद के एक ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। 16 साल के इस बच्चे की ऐसी शानदार बल्लेबाजी को देख पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर अब्दुल कादिर गुस्से में आ गए और बोले, बच्चे को क्या मार रहे हो, हमें मार के दिखाओ। सचिन तेंदुलकर ने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, परंतु जब अब्दुल कादिर गेंदबाजी करने आए तो सचिन ने कादिर के एक ही ओवर में 3 छक्के ठोक दिए। दोस्तों, कादिर ये सब देखकर हैरान हो गए और सचिन की बल्लेबाजी पर तालियां बजाने लगे और सचिन के सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोस्तों, बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कादिर ने बताया कि मैंने सचिन से कहा था, अगर तुम मुझे छक्के मार दोगे तो स्टार बन जाओगे, और उसने मुझे एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। मुझे एक ही ओवर में इससे पहले किसी ने लगातार 3 छक्के नहीं मारे थे। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने पूरे तजुर्बे के साथ गेंदबाजी डाली थी, लेकिन इस लड़के ने मेरी भुनाई कर दी। कादिर के 3 छक्के वाली बात पूरे पाकिस्तान में हवा बनकर फैल चुकी थी दोस्तों। और मजे की बात तो ये थी दोस्तों कि ये तो सिर्फ क्लाइमैक्स था, क्योंकि सचिन का डेब्यू होना तो अभी बाकी था। दोस्तों, इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस दुनिया का सबसे खतरनाक घातक बॉलिंग लाइनअप, उस समय के बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी उनका सामना करने से कतराते थे। कराची की धरती पर खेला गया वो पहला टेस्ट मैच जिसमें इमरान खान के नाबाद 109 रन की जबरदस्त पारी के चलते पाकिस्तान 409 रन बनाने में कामयाब रहा। जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 41 रन पर भारत शुरुआती 4 बल्लेबाज खो चुका था। क्रीज पर मोहम्मद अजहरुद्दीन का साथ देने आया वो 16 साल का युवा, घुंघराले बाल और सचिन को देखते ही वसीम अकरम ने कहा, मम्मी से पूछ कर आया, और ये बात सुनकर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी हंसने लगे। परंतु वो लड़का अपने चेहरे को छुपाए बिना किसी की तरफ देखे बल्लेबाजी के लिए आगे बढ़ गया। सचिन तेंदुलकर ने इस पारी में 26 बॉलों का सामना किया और 2 चौकों के साथ 15 रन बनाए। वकार यूनिस ने सचिन को बोल्ड मार दिया और दूसरी पारी में सचिन की बैटिंग नहीं आई। बावजूद मांजरेकर के शतक की बदौलत भारत यह मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। और इस मैच के बाद शुरू हुआ सचिन के रिकॉर्डों का आलम, क्योंकि जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो भारत शुरुआती 4 बल्लेबाजों को मात्र 100 रन पर खो चुका था। और इस बार जब सचिन बल्लेबाजी करने आए तो बेखौफ, निडर व साहसी बनकर आए। सचिन ने इस बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी आक्रमण को इतने बेहतर तरीके से खेला कि 172 बॉलों का सामना करते हुए 4 चौकों के साथ 59 रन की पारी खेल डाली। इस 85 की बदौलत सचिन सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए, जो आज तक भी एक रिकॉर्ड है। वसीम अकरम, इमरान खान व वकार यूनिस के सामने इस तरह की बल्लेबाजी से सब सचिन को सनसनी के रूप में देखने लगे थे और वो 16 साल का बच्चा क्रिकेट के भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जय हिंद दोस्तों।